अस्सलाम वालेकुम योर ऑन एयर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी हजरत कौन सा और कहाँ से बोल अस्सलाम रहे वालेकुम हैं? वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ कराची से। कराची से अफशान साहब जी फरमाइए। जी हजरत जी, मुझे ये पूछना था, जैसे मैं अभी यूट्यूब के ऊपर जो है ना इस्लामिक चैनल चलाता हूँ, तो उसपे काफी सारे वज़ाइफ जो आपके होते हैं वो भी मैं बताता हूँ, और दीगर जो इस्लामी मालूमात होती हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो इस हवाले से उलमा ने, मैंने एक वीडियो देखी जो उन्होंने कहा था कि यूट्यूब की कमाई हराम है, तो इस पर जो है मुझे तश्वीश होने लगी कि अब मैं चूंकि इस्लामिक चैनल चलाता हूँ तो उससे कई तरह की एड्स वगैरह तो यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह डालते हैं, इसमें हमारा तो कोई दखल नहीं होता और मेरा पूरा घर भी इसी से चलता है चैनल से। तो इस हवाले से मैं जरा चाह रहा था कि कोई ऐसी तसल्ली बस कोई वजाहत कर दें कि जिससे जो है हमें मालूम चल सके क्या ये अर्निंग हलाल है या हराम है, तो उसके सारी नुकात जरा बता दीजिए। जजाकल्लाह। जी शुक्रिया। क्या पूछा चाहते इन्होंने हैं? इन्होंने पूछा ये कि ये एक इस्लामिक चैनल चला रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पर इश्तहारबाजी होती है तो उसकी वजह से कुछ आमदनी है इनकी, तो उस आमदनी से इनका घर चलता है, ठीक तो है। क्या ये जायज़ है? अच्छा अच्छा ठीक है। और ये चलाते हैं चैनल सब आपकी जो बातें हैं वो सारी उसी को वो अच्छा, प्रमोट समझ करते हैं। जी बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, और ये तो वाकई वक्त की जरूरत है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह भी जो चैनल चलते हैं और उसके सब्सक्राइबर गालबन बढ़ जाएँ तो उस पर आमदनी भी मिलती है, क्लिक्स जितने आते हैं यूट्यूब पैसे देता है। तो आप बता रहे कि बाज़ उलमा कहते हैं हराम है, तो उन उलमा ने बहरहाल अपने इल्म की रोशनी में कुछ कहा होगा, क्या उनके जहन में है, लेकिन बिल्कुल हलाल है ये आमदनी, इसमें हराम होने की कोई बात नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने ना तो यूट्यूब से वो रकम मांगी है, हैं ना, आपने कोई उसकी कमिटमेंट की है, बस आपने वो अपना चैनल चलाया है और दीन की इशाअत की नीयत से। लेकिन यूट्यूब की अपनी पॉलिसी ये है कि जो इस तरीके से प्रोग्राम्स आते हैं, क्योंकि यूट्यूब को उस पर आमदनी होती है, उसमें आपका हिस्सा भी आपको देते हैं, और बिल्कुल हलाल है आमदनी, इसकी में हराम होने की कोई वजह नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। और ख़ास तौर पे आप इस्लामी चैनल चला रहे हैं उसमें तो हराम होने की वजह ही नहीं है, क्योंकि आप इशाते दीन दिफा इस्लाम खिदमत खलक के तौर पे एक चैनल चला रहे हैं। हाँ, यूट्यूब वगैरह पे ऐसे चैनल चलते हैं तो बिल्कुल उनकी आमदनी हलाल है कि जो यूट्यूब आपको देता है या फेसबुक वगैरह आपको देती है। हाँ, अलबत्ता ऐसे लोग जो है जो वहाँ चीज़ें ऐसी प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो मुखरब अखलाक हैं, उरियानी फाशी फिल्म ये वो उल्टी सीधी चीज़ें जो लोग डाल के उसके ज़रिए से आमदनी बनाते हैं, या बसा औकात बाज़ लोग पोस्ट का उनवान ऐसा लगा देते हैं कि फ़ौरन जल्दी से इंसान उसको क्लिक करके खोलता है और वो जो लगाया होता है अंदर कुछ भी नहीं होता, ये फ्रॉड और धोखा है। इस तरह फ्रॉड और धोखे के साथ जो है लोगों को ये अपना सब्सक्राइबर बनाना या उनके क्लिक्स लेना, फिर उस पर उनको आमदनी मिलना, ये तो हराम हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल हराम नहीं है कि जायज़ चीज़ अगर आपने डाली, एजुकेशनल कोई चीज़ डाली है और या इंफॉर्मेटिव कोई चीज़ डाल दी आपने, या इसी तरीके साइंसी कोई अच्छी अच्छी थ्योरी उसमें डाल दी आपने, या इस्लाम और दीन की चीज़ें डाली हैं आपने और इशाते दीन हो रहा है उस पर यूट्यूब अगर आपको दे रहा है, तो बिल्कुल आमदनी हलाल है, क्यों? उनकी तरफ से सिला और एहसान है, और सिला और इनाम लेना बिल्कुल जायज़ है, इसमें हराम होने की कोई वजह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।